वल्लभ भाई पटेल कौन था? कांग्रेसी था, था कि नहीं था? हाँ जी, लाल बहादुर शास्त्री कौन था? कांग्रेसी था। पीवी नरसिंह राव कौन था? कांग्रेसी था। वो अच्छे अच्छे लोग भी कांग्रेस में हैं, आज भी होंगे, ऐसे नहीं कि हम पुरानी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम गुजरात में की है तो हम राहुल गांधी कैसे? हाँ राहुल गांधी पप्पू है। जब आप कह रहे हैं कि नहीं तो 5 बजे यूपी में नहीं निकलते, 12 बजे 2 बजे, अरे क्या मैं था मुजफ्फरनगर 4 साल रहा हूँ। अरे मुजफ्फरनगर की क्यों बात? मुजफ्फरनगर यूपी में है, एक ही जगह की बात नहीं, मुजफ्फरनगर यूपी में, मेरठ यूपी में है। जिस दिन सब पंजाब में आई जान जो जान जो जान जो जान जो जान जो केजरीवाल केजरीवाल के आते सिक्योरिटी हटा दी, सिक्योरिटी हटाने के 24 के बाद वो ये कह पाएंगे कि इंडिया हार गया? वो जब हार जाएंगे तो कह रहे हैं इंडिया एक है तो इंडिया हार ही नहीं सकता है। अगर बाई चांस हार गया मान लीजिए, वैसे तो पूरी तरह से ये आपने यहाँ काफी दिनों से काफी कर रहे होंगे, उन्हें पता है क्या है, वो तो हारना तय है उनका गठबंधन। अभी जैसे है अटल बिहारी वाजपेयी था, वो क्या था? टेस्ट मैच, ये है वनडे। अच्छा अब आएगा 2020। हाँ भाई ये फैसला अभी नहीं, ये कोई वो ये नहीं होगा कि भाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो सारा फैसला खत्म। आप नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ है, लोग नहीं है। तू मैं तो हिंदू, मैं तो हिंदू, हिंदी तो हिंदू है, हिंदू तो पौड़ा मैं इंडियन हूँ, इंडियन ना, मैं कोई जाति वाद पे विश्वास नहीं करता, मैं इंडियन हूँ बोलूं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव चौक कैनॉट प्लेस पे। आज हम कैनॉट प्लेस पे इस मकसद से आए हैं कि दिल्ली में जहां पर एक तरफ अध्यादेश का मामला चल रहा है, आप सब जानते ही हैं, सिविल अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे 8, 9, 10 तीन दिन इस पर बहस होनी है। ये दोनों मुद्दे इस वक्त देश की सबसे बड़ी सदन लोकसभा और राज्यसभा में ये जोर शोर से लगा हुआ है। एक तरफ जहां पर मणिपुर को लेकर के विपक्ष का लो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, वहीं दूसरी तरफ अध्यादेश के मामले पर मणिपुर को भुला करके लग जाते हैं, लो कॉन्फिडेंस मोशन को छोड़ करके अध्यादेश पर लग जाते हैं। लो कॉन्फिडेंस मोशन पर अभी भी 267 और 176 की चर्चा हो रही है, मगर बातचीत कोई नहीं कर रहा है। गृहमंत्री कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं, अनवरत अनगिनत जितना चर्चा करना है वो कर लीजिए, विपक्ष उस पर भी भाग रहा है। फिर इसके बाद बारी आती है अध्यादेश की, और अध्यादेश में विपक्ष एकजुट होता है और सदन में लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी मौजूद होता है, लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, मामला सब गृहमंत्री जी उड़ा के ले जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि क्या वाकई में दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो जिम्मा है वो केजरीवाल के हाथ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया तो उस पर चर्चा कब शुरू होगी, क्योंकि हम जैसे टैक्स पेयरों का पैसा पर डे लगता है और लगभग 1.5 करोड़ रुपया पर मिनट के हिसाब से हम पे करते हैं, तो आखिर चर्चा उस पर कब होगी? आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर आज हम यहाँ के लोगों से, यहाँ के आसपास के लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और चर्चा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गजब होने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए। चचा कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। केजरीवाल कैसे लगते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। बहुत अच्छा आदमी है। हाँ जी, ये अध्यादेश का जो अभी कानून आया था और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला मामला, अरविंद केजरीवाल को ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली पावर क्यों चाहिए? क्यों चाहिए कि भ्रष्टाचार करना है तो यहाँ भ्रष्टाचार थोड़ा सा रोक लग जाएगी, थोड़ा बहुत अंश मिलेगा कि भाई जितना दिल्ली को लूट रहे थे केजरीवाल उसको इतना थोड़ा सा कम मिलेगा, मतलब हो जाएगा। नहीं, कहा तो ये जाता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो यही है केजरीवाल जी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तो है। अगर मान लो अगर वो भ्रष्टाचार नहीं होता तो मोदी को ये करने की जरूरत क्या थी? ये आप ये बताओ, मैं कोई भाई की बात सुन के नहीं बता रहा हूँ ना, ये भाई की बात, मैं अपनी आई विटनेस की बात करता हूँ। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहीं पहले तो केजरीवाल ने रोड बनवाया। कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, द्वारका सेक्टर 19 के पास में अनऑथराइज कॉलोनी में। अच्छा। तो वहीं रोड बन रहा था, हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई केजरीवाल तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, रोड बनवा रहा। 8 दिन रोड बन गया, इसके बाद वापिस थोड़ा ही काम चालू हो गया। क्यों? हम गए MLA के पास कि बाबूजी आपने तो रोड बनवाई थी, ये तो टूट रही है पीछे पीछे। तब बोले कि हमारा जो मुख्यमंत्री है उसने पहले रोड बनाने का ठेका दिया था,
अब दिया है रोड तोड़ने का बाद में दिया। अच्छा, टेंडर के बाद में खुला उसका। अच्छा, तो क्या रोड तो टूटेगी टूटेगी। तो ये है अनपढ़ और पढ़े लिखे, वो पढ़ा लिखा ज्यादा है तो इतनी बुद्धि उसमें होती है पढ़े लिखे जैसी। वो तो कहते हैं वो IIT है, वो ये कर रखा है तब तो ये महंगा। ये नहीं कि रोड तोड़ना फिर रोड बनाना फिर तोड़ना, ये वो पढ़े लिखे की बात। एक कहानी है, मतलब एक इंजीनियर था, उसने एक मिस्त्री को बुलाया भाई को कि भाई साहब मेरे घर में दो होल कर दो बड़े बड़े। क्यों? एक छोटा एक बड़ा। तो भाई भाई ने बोला, मिस्त्री ने बोला क्यों? तो कि ऐसा है कि मैंने दो बिल्ली पाल रखी है, वो रात में देर सवेर आती है, तो कम से कम ये दोनों बिल्ली अपने आ जावे मेरी नींद ना खराब हो जावे। तो वो मिस्त्री ने ये बोला कि बाबूजी एक काम ये कर लो ने, एक ही बड़ा होल करो, इसमें छोटी भी आ जाएगी बड़ी भी आ जाएगी। वो अनपढ़ था, जो बड़ा था उसमें होती बुद्धि। वो ये अरविंद केजरीवाल में कि भाई तेरे को रोड तोड़ने का पहले ठेका देना चाहिए था, बाद में क्यों दिया भाई ये काम। एक दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस कॉलोनी में रह रहा हूँ, मैं रेंट का किराया दे रहा हूँ 6,500 रुपया पर मंथ। 100 गज का मेरा प्लाट है। बिल तो नहीं दे रहे होंगे? नहीं, बिल नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। 100 गज का है, मैं जिस रेंट पे रह रहा हूँ, मेरे पास में ही उसको वो है मोला क्लीनिंग, उसका 28,000 रुपया है 100 गज का। जब मेरे से भी मतलब इतनी सुविधा नहीं है, वही उसका 28,000 रुपया दे रहा है और मेरे को 6,500 में मिल रहा है। और उसका तो गली के अंदर है, मेरा तो मेन रोड पे है। अगर वही जो इसने मोहल्ला क्लिनिक खोल रखी है, उसका रेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए 5,000-5,500। इलाज होता है मोहल्ला क्लिनिक में? हाँ, इलाज होता है। कुत्तों का, बिल्लियों का हो जाता है। अच्छा, आप लोग का नहीं होता? नहीं, लोगों का नहीं होता। फिर वही स्टाफ ऐसे रखे हैं, ये जो अध्यादेश लाने का कारण ही ऐसा कि भाई वही किसी की तनख्वाह है सारा उसी का ही आदमी है, किसी का 1,00,000 किसी का 80,000, इसकी सबकी ऐसी तनख्वाह है वो लोगों की। उसके हाथ में कितना आता है 10,000-20,000 रुपया। अच्छा। बाकी केजरीवाल वापस रिटर्न लेता है। तो ये तो बोलते हैं कट्टर ईमानदार आदमी। कट्टर ईमानदार है तब तो हम कह रहे हैं कि वो इतना दिल्ली को लूटा है, बहुत ज्यादा लूटा है, नहीं लूट रहा है अभी भी। अभी भी लूट ही रहा है, लूट रहा है। और क्या कर रहा है वो, उसका काम क्या है? अगर एक बार बताओ, जो कांग्रेस के साथ में बुराई कर वो इस पार्टी बनाई, कांग्रेस की तो बुराई करते ही तो पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में समर्थन भी सरकार बनाते हुए कांग्रेस ने ही किया, समर्थन कांग्रेस ने लिया। वो सारे एक थाली के चट्टू है दोनों। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पल्लू है, बाकी एक नेक है सारे। आप ये बताओ ना, मतलब ये आंखों के सामने दिख रहा है। ये तो कहे नहीं कि चलो भाई मैंने किसी की बात सुनी हुई बात कर रहा हूँ, साफ बात हो रही ना। ये तो वो चोर तो चोरी रहेंगे, मैं इसमें कोई नहीं बात कर रहा हूँ। अब इसको वो कह रहे हैं कि हमारे गुजरात में गए थे इलेक्शन लड़ने, कि हमारी सरकार बन रही है, यहाँ का दारू का पैसा सब गुजरात में लगा दिया। अच्छा। क्या हुआ गुजरात में? कितनी सीट आई? 5। और रिजल्ट आने के बाद 4 घंटे बाद वो सारे BJP में मिल गए। अच्छा। हाँ जी, मैं आपको मैं गुजराती हूँ, मेरे को मैं प्रॉपर गुजराती हूँ, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। उसकी 5 सीट आई। अब आप गुजराते हैं, आपको तो मोदी जी अच्छे ही लगेंगे, बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कांग्रेस की भी तारीफ करता हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि देश के लिए जिसने अच्छा काम किया, वल्लभ भाई पटेल कौन था? कांग्रेस ही था। था कि नहीं था? बिल्कुल। हाँ जी, लाल बहादुर शास्त्री कौन था? कांग्रेस ही था। PV नरसिंह राव कौन था? कांग्रेस ही था। वो अच्छे अच्छे लोग भी कांग्रेस में है, आज भी होंगे, ऐसे नहीं कह रहे हम पुराने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम गुजराती की है तो हम राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी वो पप्पू है। वो पप्पू है। इसमें ऐसे कैसे इतनी बड़ी यात्रा की है? यात्रा करने से क्या हुआ? यात्रा से किसको जोड़ा? उसका बाप दौड़े बाद तोड़ा था, वो भी नहीं जोड़ पा रहा। वो तो नहीं, विपक्ष वाले तो कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। वो नहीं बन सकता, वो अभी बहुत टाइम लगेगा, 2047 के बाद सोच लेगा। 2047 के बाद? हाँ, इसके पहले उसका कोई चांस नहीं। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं, भविष्यवाणी पक्की है। अगर मैं जीऊंगा 2047 तक तो दिखा भी दूंगा। उसके बीच में कौन रहेगा? इसके जो ये तो अभी 5 साल तो अभी ये राज करेगा मोदी। मोदी उसके बाद आ जाएगा 29 में योगी। अच्छा। हाँ जी, केजरीवाल को नहीं आने देंगे? नहीं, अभी जैसे है अटल बिहारी वाजपेयी था, वो क्या था? टेस्ट मैच। ये है वनडे। अच्छा, अब आएगा 2020। हाँ भाई, ये फैसला अभी ये कोई वो ये नहीं होगा कि भाई तारीख पे तारीख, वो सारा फैसला खत्म। अब वो ये हो जाएगा कि भाई 2020 मैच। अच्छा, वो 4 घंटे में सारा क्लियर रिजल्ट।
वो आएगा योगी, मतलब 2029 में। योगी पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है। क्यों पसंद है? हाँ जी, क्यों पसंद है? उसका काम किसी से यूपी के अंदर पहले क्या हाल था कि आदमी 8 बजे शाम को दिन अस्त होते ही घर से बाहर नहीं निकल सकता था। हाँ। शरीफ लोग कोई भी औरत तो निकल ही नहीं सकती थी। और आज वही है, यूपी है इंडिया में नंबर 1 पे आ रही है कि लोग बाग यूपी बिहार कभी नहीं सुधरता। यूपी सुधर गया कि नहीं सुधरी? बिहार कैसा लगता है? हाँ जी, बिहार कैसा लगता है? बिहार में लोग अच्छे हैं, पब्लिक के लिए कोई कहीं पे बुराई नहीं है, लेकिन वहीं की राजनीति बहुत गंदी है। अच्छा। हाँ, इसीलिए वहीं विकास नहीं होता है। लालू यादव ठीक है? हाँ, लालू यादव कैसे? अगर वो अच्छा होता तो ये जेल नहीं काटनी पड़ती। और ये तो सारे परिवारवाद है सारे। आप ये बताओ, लालू एक भैंस चराने वाला इंसान, और वो इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? अरे रेल मंत्री थे, इतना मंत्री तो संपत्ति आ जाएगी। तो मोदी भी 35 साल से राज कर रहा है। ऐसे तो बीजेपी के विधायकों के पास 1000-1000 करोड़ की संपत्ति है, कहाँ से आ गया? बीजेपी के विधायकों के पास 1000-1000 करोड़ की संपत्ति है, कहाँ से आ गया? विधायक के पास पैसा होता है इतना? तो बताओ ना, कौन है उसको अपने केस कर? ऐसा कौन है संपत्ति वाला जिसके पास संपत्ति थी वो भी रोड पे आ गए? हमारे पास था गुजरात में बाप भाई बिखोरिया, फेमस आदमी था, वो क्या हालत कर दी उसकी? जब संपत्ति पकड़ी तो आप पकड़ाओ ना, कहाँ मना कर रहे हैं उसकी? मुझे तो कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसका एक था मंत्री थी माया कोडलानी, वो कितना सालों से जेल में सर रही है, कैंसर हो गया तो भी वो मिलने नहीं जा रहा। मंत्री था उसके, उसकी मंत्री थी बीजेपी की गुजरात में। वो तो एक ही बात कह रहा है कि भाई अब दो, क्या यह चोर है तो मुझे बताओ कि भाई यह चोर है, उसका प्रूफ करो, अपने इसको भी डालेंगे। जैसे आप ये कह रहे हो कि लोग बाग ये कहते हैं कि मोदी ने 4 दिन पहले बोला था कि उसने ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला किया, अजीत पवार के ऊपर आरोप था। आरोप था, मेरे खुद ने सुना है। बिल्कुल। 4 दिन के बाद उसको सरकार में ले लिया। अब आए लाइन पे आप, अब आप मुझे बताइए, मैं दे रहा हूँ ना उसका भी जवाब है। हमारी सुनी सुनाई बात मत बोलिएगा, सुनी सुनाई बात कभी नहीं करूंगा मैं। हमारी संस्कृति क्या है कि हमारा रामचंद्र जी भगवान थे, उसने भी रावण को क्या बोला था कि मेरे शरीर में आओगे तुम्हारा पाप धुल जाएगा, लेकिन जो कर्म किए वो भुगतने ही पड़ेंगे। बहुत सफाई से आप राम घोषित कर रहे हैं। वो ये बताओ, ये मोदी ने भी ये चेक कर रहे हैं कि ये वॉशिंग मशीन है, वो कह रहा है जो आओगे तो अब जो पाप जब तुमने किया वो तो मैं धुल दूंगा कि तुम भी सुधर जाओ। अच्छा। अगर जो कर्म किए हैं वो तो तुमको भुगतने पड़ेंगे, उसके लिए तुम्हारी इंक्वायरी होगी, जेल जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं रोकूंगा नहीं। कर्म का फल तो भुगतना ही भुगतना है सबको। लेकिन जब तक इनके सरकार में रहेंगे तब तक। हाँ? अच्छा, जब तक इनके सरकार में रहेंगे तब तक। और आप कह रहे थे कि यूपी में योगी के आने से 5 बजे, मैं यूपी से हूँ, 12 बजे रात तक चलता हूँ, आज से नहीं, मैं 45 साल मेरी उम्र है। हाँ जी। योगी के आने से कोई रात को नहीं चल तब चल रहा है? आप गलत बोल रहे हैं। योगी के राज में चल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप नहीं तो 5 बजे यूपी में नहीं निकलते, 12 बजे 2 बजे। अरे क्या अंकल, मैं मुजफ्फरनगर 4 साल रहा हूँ। अरे मुजफ्फरनगर की क्यों बात? तो मुजफ्फरनगर यूपी में है। एक ही जगह की बात मत करिए, मुजफ्फरनगर यूपी में है, मेरठ यूपी में है। अच्छा, योगी की कानून व्यवस्था आपको कैसी लगती है, ईमानदारी से बताइएगा? व्यवस्था ठीक है? अच्छा, व्यवस्था ठीक है, लेकिन बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं है। इसका जवाब मैं दूंगा। हाँ बताइए। अब ये भाई ने बोला, आप प्रवक्ता हैं क्या बीजेपी? अच्छी बात बताए ना, गलत नहीं, मैं अच्छी बताऊंगा। नहीं, ऐसा कौन सा गांव है? मुजफ्फरनगर में पहले था। हाँ? पहले जो कुछ सिटियां नहीं, कुछ सिटी नहीं। आप ये बताओ ना, मैं आपको ये भाई ने बोला बेरोजगारी, बेरोजगारी तो क्या 2014 में सारे कलेक्टर थे तभी भी बेरोजगारी थी, आज भी है और आगे और बढ़ेगी, क्योंकि 4-4 बीवी 40-40 बच्चे होंगे तो ये रोजगारी बढ़ेगी। ये जो 2-2 करोड़ नौकरियां की बात किए थे, बोल दीजिए मोदी को हम झूठ बोल रहे थे, बात खत्म। ये गलत बात है। मोदी ने अगर ये शब्द बोला होगा कि मैं 2 करोड़ को नौकरी दूंगा, ये नहीं बोला, 2 करोड़ को रोजगार दूंगा, ये शब्द है। अगर कोई बोला कि मैं नौकरी दूंगा तो गलत, उसको नौकरी तो खत्म करनी है। आंटी जी कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से हैं। अशोक गहलोत का तो वहाँ परचम लहरा रहा है। बिल्कुल। किसकी सरकार बनेगी वहाँ पे? मोदी जी की लग रहा है। उसी की लग रहा है। मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे लगते हैं। इंसान के रूप में भगवान है, देखे तो। अच्छा।
लेकिन वोट आप कांग्रेस को देंगे? बिल्कुल नहीं। अभी आप ही तो कह रहे थे गहलोत बड़ा अच्छा आदमी। नहीं नहीं, अच्छे हैं वो, उनका राज है और है, काफी कांग्रेसी भी है, बट मेरा वोट जो है वो मोदी जी को ही जाएगा। बिल्कुल। क्यों जाएगा मोदी जी को? बस मेरे को बेस्ट लगते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान के रूप में भगवान बता रही हूँ उनको, तो मेरा वोट तो उनको जाना ही है। अच्छा, भगवान बता दिया आपने? बिल्कुल। विपक्षी कहते हैं वो तो बवाली आदमी, उनसे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं। कुछ भी को, अपनी अपनी सोच है। अच्छा, अपनी अपनी सोच है। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की। दिल्ली में यहाँ कैसे आए आप? दिल्ली रहते हैं? नहीं नहीं, बच्ची को पढ़ाने के लिए आए थे हम यहाँ। अच्छा, बच्ची को पढ़ाने के लिए आए हैं। यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं बच्ची को। मुखर्जी नगर? यस, मुखर्जी नगर ना। दृष्टि में बेटियों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, इसीलिए हम राजस्थान से चल के यहाँ आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं बच्चों। अभी जो बेटियाँ आपको देख रही हैं उनको क्या बोलेंगे? बेटियों को पढ़ना चाहिए अच्छे से, और घर वालों का जो परिवार का है उनका नाम रोशन करना चाहिए। ये है कि घर वाले उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं पढ़ने के लिए और दे रहे हैं, तो उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और अच्छे से उनको पढ़ना चाहिए और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। यही मैसेज है मेरा बेटियों के लिए। चाचा क्या नाम है आपका? महेश शर्मा नाम है। कहाँ से हैं? राजस्थान से। आप भी राजस्थान से? जी। साथ में है क्या आप? अरे गलती हो गया उनसे, मिस्टेक हो गया, हम पहचान नहीं पाए। आप पीछे खड़े थे, हमको लगा कि नंबर मैं दे रहा हूँ अभी आपको। एक बात बताइए, अभी आप देख रहे हैं कि 24 इलेक्शन का कितना बवाल चल रहा है। एक तरफ मोदी जो है वो 36, 37, 38 पार्टी लेके खड़े हैं, एक तरफ विपक्ष है वो 26 पार्टी लेके खड़ा है। ऐसे में क्या लगता है कि किसकी कहाँ माहौल बन रहा है? माहौल तो मोदी जी का है। मोदी जी का माहौल एकदम प्योर। विपक्ष तो कह रहा है इंडिया जीतेगा। इंडिया नाम निकलने से इंडिया थोड़ी जीत जाएगा, नाम निकलने से नहीं जीतेगा ना। ये पहले तो इनके पीएम का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं। पीएम किसको बनाएंगे? वो तो कह रहे हैं हमारे पास लिस्ट ही लिस्ट है पीएम की। सभी को बनाएंगे? नहीं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी को बनाएंगे तो ये खुद ही लड़के मर जाएंगे पहले ही। सत्ता में आने से पहले लड़ मर जाएंगे, पीएम घोषित करने से पहले लड़ लेंगे ये खुद ही। किसको? पीएम का चेहरा भी तो होना चाहिए ना भाई, किसको बनाए? कांग्रेस में पीएम का चेहरा था बहुत थे, लेकिन गांधी परिवार ने खत्म कर दिया। नहीं, वो तो कहना युवा नेता के रूप में प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी बन गए तो माहौल बदल जाए। ये थोड़ी है, हमारे बहुत है, कांग्रेस में भी बहुत है और भी पार्टियों बहुत है। राहुल जी में क्या है ऐसा जो इनको बनाएंगे? सिर्फ गांधी फैमिली से, तब गांधी परिवार से तब बना रहे हैं, या इनमें इनके गांधी परिवार को अलग हटा के बताओ आप क्या इनमें क्वालिटी है? नहीं, अगर एक परिवारवाद छोड़ दें तो राहुल गांधी कभी सब्जी मंडी में दिखाई देते हैं, कभी गाड़ी बनाते हुए दिखाई देते हैं। वो तो कहते हैं धरातल के नेता हो गए हैं और वो इतना बड़ा यात्रा कर डाले, वो बताइए। धरातल के नेता ऐसा नहीं होते, धरातल के नेता हैं अपने सांसद हैं उड़ीसा से, जिन्होंने मोदी जी ने ढूंढ के लाए थे वहाँ से, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, वो होते हैं धरातल के नेता। ऐसे फैमिली बिलोंग करने वाले धरातल के नेता नहीं होते। ये तो राज का, इंडिया का पैसा पूरा मजे ले रहे हैं, ये तो 1947 से ले रहे हैं ये तो, ये देख लो ना आप। तो ऐसा थोड़ी धरातल के नेता बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अभी इनको कुछ बहुत कुछ खोना पड़ेगा। वो तो क्या, वो नीतीश कुमार हैं बिहार वाले, आप जानते होंगे, कैसे लगते हैं वो आपको? सबको एकजुट कर रहे हैं वो? एकजुट करने नीतीश जी की रणनीति बेटर है, लेकिन उनकी रणनीति मानेंगे नहीं। अदर जो घटक दल है वो नहीं मानेंगे, कोई भी घटक दल नहीं मानेगा। कोई घटक दल मानेगा ही नहीं? कैसे मानेगा ये बताओ कि इकट्ठा तो वही कर रहे हैं सबको। इकट्ठा करना एक अलग बात है, इकट्ठा तो जैसे चरवाहे कर सकते हैं भेड़ों को, लेकिन फिर भी वो भेड़ें अलग अलग जाएगी, अलग अलग मुंह मारेगी भेड़ बकरियां, तो उनमें तो वो कहानी है। नहीं, ये तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं ना, इतनी पार्टियों को जुटा लिए, बताइए तो जुटा लिए तो जो चेहरा मोदी जी का है ना, उसके अलावा चेहरा बता दो आप। फेवरेट आपके मोदी जी? बीजेपी में नहीं, मेरा नहीं, बीजेपी में आप ये बता दो मोदी जी अलावा चेहरा बता दो आप किसी का भी। कुछ होना चाहिए, अभी अभी ऑप्शन है आगे आगे 2024 में तो मोदी जी को रहने दो, 2024 तक तो मोदी जी को रहने दो, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, देख लो गांधी जब भी प्रचार करने कहीं जाती है उनका रिलीवेंस इतना कम कर दिया जाता है कि प्रियंका को आने दे रहे हैं। आप बैग ले जाके देखो कितनी। मोदी के बाद आपको मैं बता दूं, हेमंत बिस्व शर्मा है, योगी आदित्यनाथ है, इधर देवेंद्र फडणवीस है, कितने चाहिए आपको? गिनती कम उंगली करने जाएंगे, लेकिन आप गांधी परिवार कांग्रेस में छोड़िए, मैं गांधी परिवार छोड़ी कांग्रेस में बता दीजिए, गांधी के परिवार अलावा कौन है? इन्होंने खत्म, कोई नहीं मिलेगा। कांग्रेस जो लीडर थे, कांग्रेस का मतलब ये है, खड़गे जी इतने बड़े नेता हैं, 9 बार के विधायक हैं, वो कम नहीं है, वो कम है। आप ऐसा करिए कि कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट जारी करवा दीजिए कि आगे आने वाले 24 के बाद के जो भी चुनाव होंगे उनमें खड़गे जी हमारे नेता होंगे, करवा दीजिए, चलिए यहाँ पे 24 के लिए करवा दीजिए। अगर आप वो उनको आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक बना दिया, क्या उनको क्या कहते हैं
अभी उन्होंने अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस का, हाँ वो बना दिया मान लीजिए, आप बता दीजिए कौन सा ऐसा डिसीजन है उन्होंने सुबह मोटो लेके दिया हो। अजय आप उनके थोड़ा खड़के जी को थोड़ो, हमारे हमारे सीएम है राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं, राजस्थान के नंबर वन का सीएम का तमगा अशोक जी गहलोत को है, आप गहलोत जी को पीएम पद का वो उम्मीदवार घोषित करवा दिए। अरे वो तो मुख्यमंत्री पद छोड़ ही नहीं रहे ना। अच्छा एक सेकंड एक मेरी बात सुनिए आप, वो तो मुख्यमंत्री पद छोड़ ही नहीं रहे, उनको तो अध्यक्ष बुलाने के लिए दिल्ली बुलाएगा, वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री भी रहेंगे। कूटनीति थी गांधी परिवार की, वो हमारे नेता समझते हैं, गहलोत जी समझते हैं, वो कूटनीति थी गहलोत जी, किसी के सर में नाचने वाला नेता नहीं, वो जादूगर है, वो राजस्थान का जादूगर है, मानते हैं मैं बीजेपी बिलोंग करता हूँ लेकिन नंबर वन सीएम है, द बेस्ट सीएम है गहलोत, अशोक गहलोत जी का नाम ले दो आप पीएम उम्मीदवार के लिए, अभी पता चल जाएगा आपका, गांधी परिवार का पता चल जाएगा और ये जितने घटक दल है उनका पता चल जाएगा कि कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं। हम मान लेंगे, मैं वोट दे दूंगा, मैं वोट दूंगा और मैं प्रचार करूंगा, लाओ कांग्रेसियों को और अन्य घटक दल जितने भी है, लालू यादव है, मुलायम यादव है, जितने भी है उनको पता चल जाएगा आपको 2024 में पता चल जाएगा कि इनको चाहते हैं क्या, कांग्रेस को चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। अच्छा राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, मतलब लोकसभा कौन लेके जाएगा आप लोग? आपको लगता है मिली जुली सरकार हो राजस्थान में, एक सरकार किसी की भी न हो, क्योंकि राजस्थान का ऐसा है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, वो न होके मिली जुली हो। या चाहते हैं कांग्रेस और बीजेपी एक हो जाए? एक क्यों जाए, विपक्ष में बैठे, विपक्ष मजबूत होना चाहिए किसी भी, चाहे देश में हो चाहे राज्य में हो कहीं भी हो। विपक्ष में किसको बैठाएंगे, बीजेपी को बैठाएंगे कांग्रेस को? कांग्रेस को, कांग्रेस, कांग्रेस, क्यों? कांग्रेस की कंडीशन ये है कि गहलोत जी ये नहीं चाहते कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूं, और उधर ये इनके दो फाड़ हो रहे हैं कांग्रेस में, भयंकर दो फाड़ हो रहे हैं, हो रहे हैं बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी में केंद्र सचिन पायलट अपनी जगह सही है कि नहीं सही है? कर रहे हैं अपनी वो मेहनत कर रहे हैं। सचिन पायलट कैसा लगता है? ये जो आज सरकार आई है सचिन पायलट की बदौलत ही आई है, आज जो सरकार आई है ना वो सचिन पायलट की मेहनत की बदौलत है राजस्थान में, वो जुड़ा हुआ नेता है। लेकिन ये ऐसा गलत, उन्हें तो उनको कहते हैं ये विभीषण है भैया, ये राजनीति के स्टंट है, ये सब जगह चलते हैं, ये सब जगह होते हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है कि भाई कौन क्या कह रहा है कौन क्या कह रहा है। गहलोत जी अपनी जगह सही है तो पायलट अपनी जगह सही है, वो धरातल से जुड़े हैं और गहलोत को अनुभव है, इसमें अनुभव से चला रहे सरकार, देख लो आपके सामने। अच्छा ठीक है, फाइनल बता दीजिए 2024 में किसकी सरकार, इंडिया या एनडीए? सिर्फ सिर्फ मोदी जी, इंडिया तो नाम, इंडिया का नाम महाराज कैसे नहीं लेंगे, इंडिया तो नाम मतलब भारत बोलो और मोदी जी द बेस्ट पीएम, इंडिया इंडिया का नाम नहीं लेना चाहिए, इंडिया का नाम, इंडिया क्या नाम, क्या नाम लेने से थोड़ी बन जाएगा कोई, नाम लेने से इंडिया नाम, वो तो सड़क से सदन तक कहते हैं इंडिया जीतेगा जीतेगा जीतेगा, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी चलती है तब से ले रहे हैं, बाद में कहेंगे क्या कह रहे हो, इसके बाद वो ये कह पाएंगे कि इंडिया हार गया, वो जब हार जाएंगे तो कह रहे हैं इंडिया एक है तो इंडिया हार ही नहीं सकता है, कह रहा हूँ अगर बाई चांस हार गया मान लीजिए, वैसे तो पूरी तरह से ये आपने यहाँ काफी दिनों से काफी कर रहे होंगे, उन्हें पता है क्या है, वो तो हारना तय है उनका गठबंधन, लेकिन क्या वो बाद में ये कहेंगे कि इंडिया हार गया? नहीं कह पाए तो उसको आईएनडी आई यही आखाना तो ठीक है, गठबंधन क्या हो गया, कभी टूट गया, अब केजरीवाल कौन टूटा, 26 वाले कौन टूटा कौन बताइए, हाँ जब आपका इसका कल वोट पड़े थे उसमें अध्यादेश वाले अध्यादेश में वो 7 वोट पे उसी में से कहीं कट गए किसको पता भी नहीं चला, वो 7 वोट गया वो उसका था 26 वाली पार्टी का, बोलो वो कहाँ चले गए, वो अभी से टूटने लगे, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए संविधान को बचाना है तो मोदी को हटाना है बस, संविधान तो बचा बचाया है और सभी, एक बात बताऊं, हेलो संविधान है ना कोई भी चीज है, परिवर्तन है संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, मैं पहले बच्चा था जवानी आई अब बुढ़ा हो गया, और पहले सुबह था दोपहर हुई शाम हो जाती है, तो उसी वक्त तो ये है ना अपना संविधान, उसका परिवर्तन जिसने जो संविधान लिखा था उस परिस्थिति के लिए अच्छा था, आज की परिस्थिति के लिए अच्छा नहीं है, इसमें भी संशोधन होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप चाचा? आप गलत बोल रहे हैं, संविधान को बचाना है तो मोदी को लाना है। क्या क्या हुआ? संविधान को बचाना है तो मोदी को लाना है। अच्छा संविधान को बचाना है तो मोदी को लाना है, को ही लाना है, अदरवाइज कोई नहीं बचा पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा, और क्या, आप तो देख नहीं रहे हो देश में क्या हो रहा है, वो तो कह रहे हैं कि मोदी ने तो देश को भ्रष्ट ही कर दिया, खत्म ही कर दिया वो, तो जब कांग्रेस थी, जब कांग्रेस थी तब कौन सा देश भ्रष्ट नहीं था, बताओ आप, देखो कोई भी सरकार आती है ना, कोई भी सरकार आती है तो हर नेता जो छोटे मोटे नेता होते हैं घोटाले करते हैं, ऐसा कोई सरकार नहीं होगी जिसमें छोटे मोटे नेता घोटाले ना करें, और वो करना है उनका काम है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत पैसा उनको बांटती है सरकार, तो वो थोड़ा बहुत अपनी जेब में डालेंगे, थोड़ा बहुत पब्लिक में लगाएंगे,
पर अब ये मोदी तो हाथ में रख नहीं सकता कि मैं ही लगाऊं पब्लिक में और मैं ही बांटूं। अच्छा एक बात बताइए, वैसे एक सेकंड मुझे बस एक बात बता दीजिए, बस ये मणिपुर में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? मेवात में जो हो रहा है, मणिपुर में मणिपुर से बताइए क्या हो? ये मणिपुर का इंसिडेंस तो बहुत गलत है, क्योंकि 2 महीना हो गया FIR लिखे भी सरकार ने कुछ नहीं बोला, तो ये अपने सूबे जाके दे दो, ओह सूबा दो अपने सूबे जाके दे दो है जो जय मोदी यार बाकी बाकी धान कांग्रेस तो देती हैं दे पंजाब में केजरीवाल आ गया, केजरीवाल आ गया ना पंजाब में, पंजाब खुश है अभी, केजरीवाल आ दूसरा है, पंजाब खुश है, ओह खुश है, खुश है, खुश है, क्यों खुश है? सिद्धू मूसेवाले को मरवा दिया, किया किया हो गया जिस दिन सब पंजाब में आई वो जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, पंजाब में केजरीवाल, केजरीवाल के आते ही उसने सिक्योरिटी हटा दी, सिक्योरिटी हटाने के बाद पेपर में कौन डालता है? ऐसी बुद्धू सरकार नहीं देखी मैंने कभी, सारे अपनी सरकार सिक्योरिटी हटाने के बाद VIP पे से सिक्योरिटी हटाने के बाद अखबार में डाल दी, अखबार में डालेंगे तो कारनामे तो होंगे ही, जोर लावे मोदी नहीं आऊंगा, मतलब चाहे जो आ जाए मोदी नहीं आएगा, मैं कहने मोदी नहीं आऊंगा, आज भी मैं कहता। अच्छा मोदी से क्या प्रॉब्लम है आपको? मोदी प्रॉब्लम, मोदी सारे के खिलाफ, खालिस्तान, खालिस्तान, अरे ठीक है ठीक है, छोड़िए ना, छोड़िए उनको छोड़िए, अरे ठीक है ठीक है। मणिपुर का तो ये है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो गलत है, अभी तक तो 2 महीना हो गया लेकिन कुछ किया है नहीं, तो सेंटर सरकार ने क्यों बोलो कुछ बोलो। आप इंडियन हो? आप ऑर्डर पाउंडर, अरे चाचा सुनिए ना, अरे छोड़िए छोड़िए, इधर आइए, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि सब आ जाए मोदी नहीं आएगा, क्या दिक्कत, मतलब क्या दिक्कत है आपको मोदी से? सिर्फ अपने 200 रुपया पैसे दिता, जुपी दिते पैसे, जुपी जुती वोट लै गए, वो क्यों ले गया? वह जेड़ा वोट नहीं पैसे दो मुसलमानों तो नहीं पै मैं अंदर कर लेने।